हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहोगे और बहुत खुश भी रहोगे। ये मेरी दुआ है कि आप सब बहुत खुश रहिए और आप सबके हिस्से की सारी खुशियाँ आप सबको मिले। तो आज मैं एकदम से नई रेसिपी लेके आई हूँ, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। इसके लिए मैंने ली हूँ टमाटर, ली हूँ 3 छोटे छोटे टमाटर को मैंने काट ली हूँ और छोटे छोटे 3 से 4 कांधा काटी हूँ। बड़ा कांधा रहेगा तो एक ही कांधा रहेगा। मैं कम पैसे के लिए इसे छोटे छोटे कांधे लाई थी तो यही कांधे मैंने 4 काटी हूँ। आप लोग एक बड़ा कांधा काटोगे तो हो जाएगा। और इधर मैं अदरक और लहसुन ली हूँ, मसाला थोड़ा ही ली हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं लेना है। तो मैंने प्याज, टमाटर और अदरक और लहसुन को पीस लूँगी। और ये जो मिर्ची ली हूँ इसको मैंने साफ करके बारीक बारीक काट के आ रही हूँ। मिर्ची बारीक बारीक काट ली हूँ और इधर मसाला भी पीस के हो गया है। तो अब हम गैस के पास चलते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल डाल दी हूँ। तेल और कढ़ाई दोनों गर्म हो चुके हैं। हम तेल को अच्छे से इसमें फैला देंगे और इस मिर्ची को देखिए हम टुकड़े टुकड़े काट लिए हैं ऐसे साइज में। आप अपने हिसाब से इसका साइज दे सकते हो, लुक दे सकते हो। मैं इस तरह से साइज में काट ली हूँ। अब हम इसको 50% फ्राई करेंगे। 50% क्यों फ्राई करेंगे ये मैं बाद में बताऊँगी आपको, आप ब्लॉग पे बने रहिए। हम इसको 50% फ्राई करके वापस आ रहे हैं। ये दोस्तों, इसी कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। तेल बहुत गर्म है इसलिए वो जल्दी से फ्राई हो गया वो 50%। अब हम इसी में मसाला डाल देंगे। इसमें देखिए मसाला के जार को मैंने धो के पानी रखी हूँ, इसी पानी को हम इसके अंदर डाल देंगे। इधर मैं सूखे मसाले में ली हूँ तीखी मिर्च पाउडर, लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। इसमें थोड़ा पानी और हम डालेंगे कि मसाला को कम से कम 8 से 10 मिनट पकाना है। तो थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं इसमें और इसको हम उबाल आने देते हैं। 8 से 10 मिनट तक हम पकाएंगे तो ये मसाले के कच्चेपन चले जाएगा और अच्छे से पक जाएगा वो। तो अभी हम इसकी उबाल आने की इंतज़ार करते हैं। मसाला उबाल आने लगा है, हम इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम एक ढक्कन के सहारे ढक देंगे और बीच बीच में चला देंगे। गैस को हम स्लो रखेंगे, फास्ट भी नहीं मीडियम भी नहीं, बीच बीच में हम इसको चला देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला मस्त एकदम पक चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर इस फ्राई किया हुआ मिर्ची को डाल देंगे। हम 50% इसलिए इसको फ्राई किए थे कि बाकी का वो 50% मसाला में गलेगा तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और हम इसमें पानी नहीं देंगे इसके लिए हम इसको 50% फ्राई किए थे। हम बिना पानी के इसको पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा कोथमीर रखे हुए, इस कोथमीर को भी डाल देंगे इसी के अंदर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एकदम इसको स्लो आंच में ढक देंगे। आंच फास्ट भी नहीं चाहिए और मीडियम भी नहीं चाहिए, स्लो आंच में इसको हम ढक दे रहे हैं। और हम 2 से 3 मिनट के बाद वापस आ रहे हैं और बीच बीच में इसको हम चला देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम 5 मिनट तक रखे 5 मिनट तक रखे थे। हम 3 मिनट के बाद इसको चेक किए थे तो बराबर गला हुआ नहीं था तो हमने और 2 मिनट रहने दिए थे। अब हम इसमें कुछ और डालेंगे जो हमने सीक्रेट रखे थे। ये बालाजी का मूंग का दाल है फ्राई किया हुआ, 5 रुपये वाले पाकिट है। हमने छोटा पाकिट इसलिए लेके आए कि इसमें दाल थोड़ा ज़्यादा रहता है और बजाज वाले मूंग दाल में टेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है तो हमने इसमें 3 पाकिट डाले हैं। आप अपने पसंद से छोटा पाकिट या बड़ा पाकिट ला सकते हो और कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हो। हम इसमें पानी इसलिए नहीं डालेंगे दोस्तों कि पानी से इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस तरह से
कुरकुर कुरकुर करके मुंह में आवाज आएगा और बहुत टेस्ट बनेगा। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गई थी, जब हम मसाला पकाते हैं, मसाला पकने के बाद जब हम इसमें मिर्ची डाल देते हैं गलने के लिए, तो मिर्ची गल जाने के बाद ध्यान रखना है कि मसाले के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। आपको देख के समझ जाएगा कि मसाले के अंदर पानी है या नहीं है। पानी जब सूख जाता है तो सिर्फ और सिर्फ तेल दिखता है। उसके बाद मूंग के दाल डालना है। मूंग के दाल में पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी आएगा तो मूंग के दाल गल जाएगा और कुर 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 आवाज नहीं आएगा और अच्छे से टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट में थोड़ा कमी आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। मिर्ची गलने के बाद एकदम से पानी नहीं रहना चाहिए, एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए। वो आप देखने के बाद खुद सही से समझ जाएंगे पानी है या नहीं। आप इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दोस्तों, प्लीज मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, एक दूसरे के साथ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों देखिए कितना अच्छा बना है। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, इस घर में लाइट बराबर नहीं है। अब मैं मेरे गरीबी की वजह से इसको कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा समझ जाना। कलर बहुत अच्छा आया है दोस्तों, और इस तरह से बहुत टेस्टी बनता है। इजी तरीके से आप लोग को नए तरीके की सालन बनाने के लिए बताई हूँ। एकदम नए तरीके की सालन है, ऐसे आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे ब्लॉग को जरूर आगे बढ़ाइए और इस तरह से आप लोग बनाइए, टेस्ट करिए, कमेंट करिए। अच्छा बनता तो भी कमेंट करिए, बुरा बनता तो भी कमेंट करिए। अगर मुझे कमेंट के जवाब देने में देर होता है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं थोड़ा सही से जवाब नहीं दे पाती हूँ कैसे क्या करना है, तो मैं किसी के सहारे पूछ के जवाब देती हूँ, इसलिए थोड़ा देर होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बनाइए और टेस्ट करिए। मेरे छोटे छोटे रेसिपी बोल के इग्नोर मत करिए। देखिए इस तरह से ट्राई करके बहुत अच्छा बनता है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तब हम गैस के बंद कर देंगे और हम दाल मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे नहीं ज़्यादा देर, ढकेंगे भी नहीं। दाल डाल के मिक्स करने के बाद हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सब एक दूसरे के साथ खुश रहिए और बहुत सारे एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटिए। तो मैं ब्लॉग के यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों।